लॉक करते ही साइड मिरर फोल्ड हो जाते हैं और अनलॉक करते ही साइड मिरर अनफोल्ड हो जाते हैं। और नीचे करें हम इसके साइड मिरर फोल्डिंग, तो भाई दोनों साइड मिरर की रिले, साइड मिरर की वायरिंग, साइड मिरर का स्विच और उसी पैनल के अंदर कटिंग करके, जी हाँ उसी पैनल के अंदर कटिंग करके हमने जो साइड मिरर दिए सिर्फ 12,000 रुपये में विद इंस्टॉलेशन के साथ दे रहे हैं। और भाई शीशे में दिखा दूँ आपको कि डोम लाइट है और ब्रांड न्यू बॉक्स पैक साइड मिरर है, कोई यूज साइड मिरर हम नहीं लगाते हैं, ब्रांड न्यू साइड मिरर है दोनों साइड के 12,000 रुपये में विद इंस्टॉलेशन साथ। खास चीज़ दिखा दूँ भाई जो भी चैलेंज करता है, कपलर टू कपलर। और ये जो चीज़ है ना, ये हुंडई का ओरिजिनल कपलर है, कोई हमने बाहर का कपलर नहीं लगाया, हुंडई के ओरिजिनल कपलर के साथ भाई ये देखो कपलर टू कपलर क्रेटा की वायरिंग बनाई है, रिले वायरिंग सब प्रॉपर 00 हमने इसके अंदर लगाई है। भाई ड्राइवर साइड में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल कपलर टू कपलर वायरिंग है, कोई भी हमने कटिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, प्रॉपर वायरिंग का तरीका देख लो भाई। और ये जो रिले है ना, ये रिले भी हमारी अपनी classicaccess.com की मेरी अपनी बनी हुई है, दिखाता हूँ आपको खोल के, देखिए प्रॉपर classicaccess.com इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये हमने खुद डिज़ाइन करके बनाई है प्रॉपर तरीके से। स्टेरिंग हमने स्विच की कटिंग करी है और कटिंग की एक्यूरेसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल 00 कटिंग है, ये ओरिजिनल गत्ता नहीं है, ये स्विच में हमने कटिंग करी है, क्योंकि ओरिजिनल में यहाँ राइट और लेफ्ट लिखा हुआ था, ये हमने प्रॉपर ध्यान से देखे तो इसके अंदर हमने कटिंग करी है, ये हमने इसको प्रॉपर कटिंग किया, लेकिन कटिंग की एक्यूरेसी आप देख सकते हैं कितनी फिनिश के साथ हमने इसको कटिंग किया और प्रॉपर तरीके से किया गया इसको कटिंग है। और ये स्विच जो लगाया हमने प्रॉपर क्रेटा का स्विच लगाया, वेन्यू का स्विच नहीं लगाया, जो वन टच स्विच है, तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फिटिंग के साथ जो हमने चीज़ लगाई है एक्यूरेसी के साथ, उसको आप देख रहे हैं कि हमारे काम करने का तरीका, हमारी सोच और हमारी एक्यूरेसी किस प्रकार होती है, तो प्रॉपर ये काम किया गया है साइड मिरर स्विच फोल्डिंग के लिए, जो आप भी अपनी गाड़ी में करवा सकते हैं। अंदर लगने जा रही है साइड मिरर फोल्डिंग की, क्योंकि बेस मॉडल है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं दिखाइए लगे हुए हैं ये डंडी वाले साइड मिरर, और इसके अंदर हम ब्रांड न्यू बॉक्स पैक लगा रहे हैं साइड मिरर, भाई कोई यूज़ पुरानी नहीं, खोल के दिखाइए ब्रांड न्यू बॉक्स पैक साइड मिरर लगा रहे हैं भाई, कर दो अनबॉक्सिंग इसकी, ये देखो भाई ये इसके अंदर ब्रांड न्यू बॉक्स पैक साइड मिरर लग रहे हैं। और मैं दिखा दूँ कि ये जो इसका ओरिजिनल कपलर है, इसी ओरिजिनल कपलर के अंदर भाई कपलर प्रॉपर जेन्युइन कपलर लगाकर लगाएंगे, कोई ये कपलर को काट के दूसरा कपलर लगाकर फिर नहीं लगाएंगे। और डोम लाइट इसके अंदर है, तो साइड मिरर फोल्डिंग कर रहे हैं और साइड मिरर फोल्डिंग ओरिजिनल साइड मिरर के साथ, ओरिजिनल स्विच के साथ, ओरिजिनल कपलर, ओरिजिनल वायरिंग, ओरिजिनल रिले के साथ सिर्फ 12,000 रुपये में करके देंगे भाई इस गाड़ी के अंदर, जो होने जा रही है आप देख रहे हैं बेस मॉडल के अंदर होगी। और इसका सही गाड़ी ई मॉडल है, देख रहे हैं फेंडर में इंडिकेटर है, इसमें भी साइड मिरर फोल्डिंग किट हो चुकी है भाई, साइड मिरर फोल्डिंग लगाया है, इंडिकेटर देख रहे हो भाई इसके अंदर साइड मिरर फोल्डिंग लगाई है। और दिखा दूं मैं, लगाया है हमने कपलर टू कपलर, भाई देख लो ये कपलर टू कपलर इसके अंदर हमने लगाई है, कोई वायरिंग कटिंग नहीं किया है, कोई इसका क्लिप काटा नहीं है भाई, देख लो जेन्युइन क्लिप है इसका ये, और इसके अंदर हमने ये कर दिया है इंस्टॉल। ये दिल्ली नंबर EX मॉडल गाड़ी है और इसके अंदर भी साइड मिरर फोल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है, दिखा दूँ मैं आपको पूरी तरह से साइड मिरर फोल्डिंग की जा रही है इसके अंदर, और इसके अंदर भी कपलर टू कपलर वायरिंग की जाएगी। और तीसरी गाड़ी जो हमारे पास है क्रेटा, ये हमारी आज की तीसरी गाड़ी है क्रेटा 2022, इसके अंदर भी साइड मिरर फोल्डिंग हो रही है, देख रहे हैं ये भी बेस मॉडल ई वेरियंट है, इसके अंदर भी हम साइड मिरर फोल्डिंग कर रहे हैं हुंडई के ओरिजिनल साइड मिरर, और इसके अंदर भी ये हम कपलर टू कपलर लगा रहे हैं भाई, ये क्रेटा के साइड मिरर का ओरिजिनल कपलर है, इसके अंदर हमने काट के कोई दूसरा कपलर नहीं लगाया भाई। और इसके अंदर देख लो भाई ये चीज़ जरूर देखना, आप कहीं से भी साइड मिरर फोल्डिंग लगा रहे हो तो देख लेना भाई, वो जेन्युइन वायरिंग जेन्युइन कपलर के साथ लगा रहा है या उसने इसके अंदर वायरिंग कटिंग कर रखी है, तो जेन्युइन वायरिंग जेन्युइन कपलर के साथ भाई चीज़ देख लो, बिल्कुल क्लिप टू क्लिप लगाई है। और भी काम इसके अंदर हो रहा है भाई, अलॉय व्हील हमने इसके अंदर लगा दिए हैं। आज है क्रेटा का दिन, ये है हमारी क्रेटा नंबर 1 जो आई है नागालैंड दीमापुर से, भाई नागालैंड दीमापुर से आई है, दिखा दूँ ये है हमारी क्रेटा नंबर 1। और भाई ये है क्रेटा नंबर 2 जो टेम्प्रेरी नंबर है और EX मॉडल है, इसके अंदर भी हम काम कर रहे हैं। तीसरी हमारी क्रेटा ये भाई पुरानी क्रेटा, ये दिल्ली नंबर है, इसमें भी बहुत सारा काम हो रहा है। और चौथी क्रेटा हमारी ये, जिसमें लगे हैं अलॉय व्हील और साइड मिरर फोल्डिंग किट लग रही है, स्टीरियो सिस्टम, रूफ रेल, हर आइटम हम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो भाई हर गाड़ी हमारे पास तैयार हो रही है और आज है हमारा क्रेटा का दिन, तो हर चीज़ आपको लगा कर दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं क्या क्या लगेगा।
क्रेटा के दिन आज का नाम। क्या डैम्पिंग है यार, ऐसे तो डैम्पिंग का मजा ही आ गया। और पूरी की पूरी अंदर लेयर की जा रही है, कोई नाम के लिए नहीं भाई, काम के लिए डैम्पिंग की जा रही है। और डैम्पिंग की शीट की क्वालिटी 2.0 भाई, और 150 डिग्री में भाई टेस्ट किया है मैंने, ये मेल्ट होने वाली नहीं है। क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, नॉइस, हर चीज़ भाई बढ़िया चीज़। अगर आप चाहते हो हैवी म्यूजिक सिस्टम लगाना तो भाई डैम्पिंग सबसे पहले कराना। अगर आपने डैम्पिंग नहीं कराई तो भाई बाकी सब चीज़ें जीरो है। डैम्पिंग करने का तरीका, क्वालिटी, फिटिंग आप देखो भाई, मज़ा ही। तो स्पीकर लगाने वाले हैं भाई, वो लगाने वाले हैं, वो भी हम हुंडई के ओरिजिनल स्पीकर लगा रहे हैं जो EX मॉडल में लग के आते हैं। भाई दिखा दूँ, ये ब्रांड न्यू नए स्पीकर हैं हुंडई के ओरिजिनल जो लग के आते हैं। और यही स्पीकर आपको दिखाता हूँ, ये EX में लगे हुए हैं भाई, देख लो। ये क्रेटा का EX मॉडल है और इसमें ये कंपनी से यही स्पीकर भाई लग के आए हुए हैं। आप देख रहे हो हुंडई के वही स्पीकर हम अपनी ई मॉडल गाड़ी में लगा रहे हैं। तो भाई बिल्कुल एकदम जेन्युइन चीज़ और नई चीज़ लगा रहे हैं क्रेटा के अंदर। और साउंड क्वालिटी आपको चेक कराऊंगा, एंड्रॉयड भी। डैम्पिंग की क्वालिटी, डैम्पिंग की फिनिशिंग और डैम्पिंग करने का तरीका, भाई तीनों चीज़ें बिल्कुल नायाब है। एक ब्रांडेड क्वालिटी की डैम्पिंग जिसकी शाइन, क्वालिटी, फिनिशिंग, थिकनेस भाई सब नंबर वन है। और जो हमने स्पीकर इसके साथ लगाए हैं भाई, हुंडई के ओरिजिनल स्पीकर लगाए हैं, दिखा दूँ इसके अंदर, बजट फ्रेंडली और बहुत ही साउंड इफेक्टिव हुंडई के ओरिजिनल स्पीकर इसके साथ लगाए हैं भाई, जो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। जेन्युइन हुंडई की इंश्योरेंस मिलती है और एकदम प्लग एंड प्ले फिटिंग के साथ ये स्पीकर आपको मिलते हैं। तो भाई क्वालिटी का काम किया फ्रंट डोर में भी, पिछले डोर में दिखा दूँ, इस डोर में भी पूरी तरह से डबल लेयर डैम्पिंग की गई है। अगर आप क्वालिटी साउंड चाहते हैं तो भाई डैम्पिंग करानी तो मस्ट बनती है। और साउंड क्वालिटी में, क्वालिटी की डैम्पिंग भाई कोई लोकल थर्ड क्लास या नहीं, ब्रांडेड, ब्रांड के साथ जाना पसंद करते हैं भाई। एक ब्रांड के साथ जाना हम लोग पसंद करते हैं, ब्रांड के साथ ही हमने एक चीज़ लगाई है जो क्वालिटी है। अगर गाड़ी इतनी दूर से आई है, हमारे पे इतना विश्वास करके अगले काम करा रहे हैं, तो हम भी भाई पूरे विश्वास के साथ पूरा काम करते हैं। पूरी क्वालिटी की चीज़ और जेन्युइन चीज़ों को हम प्रेफरेंस देते हैं। ऑटो फोल्डिंग जो हमारी स्पेशलिटी है भाई, जो हम लगाते हैं हर गाड़ी के अंदर, ये बेस वेरिएंट है भाई। इसके अंदर फेंडर चेंज किया है, कोई कह सकता है हमने इसका फेंडर चेंज किया है? भाई बिल्कुल इसका फेंडर हमने चेंज कर दिया। क्रेटा का ये बेस मॉडल है, क्रोम हैंडल, सब चीज़ हमने तैयार की है भाई। तो सबसे खास चीज़ जो साइड मिरर फोल्डिंग हमने इसके अंदर किया भैया, लॉक करते ही साइड मिरर फोल्ड हो जाते हैं और अनलॉक करते ही साइड मिरर अनफोल्ड हो जाते हैं। नीचे मिलता है आपको डोम लाइट का ऑप्शन भाई, पूरी परफेक्शन के साथ चीज़ लगाई है। और ये साइड मिरर जो फोल्डिंग किए हैं भाई, साइड मिरर फोल्डिंग किट, दोनों साइड मिरर, रिले, वायरिंग और ओरिजिनल स्विच इसके अंदर लगाया है भाई, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये के अंदर प्रॉपर फिटिंग करके दिया है, जिसमें ब्रांड न्यू नए शीशे लगाए हैं। और भाई क्रेटा का स्विच लगाया है जेन्युइन भाई, कोई वेन्यू वाला स्विच नहीं लगाया, पूरी तरह से गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी क्रेटा को ऐसे सजाना, और भाई मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ, गाड़ी सीधा शोरूम से आई है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो भाई, गाड़ी सीधा शोरूम से होके आई है, अभी तक इसकी PDI भी नहीं हुई, सीधा ट्रॉले से उतर के गाड़ी हमारे पास आई है, शोरूम में भी नहीं गई भाई, सीधा ट्रॉले से, क्योंकि अभी शिपिंग मोड है, इसकी PDI भी नहीं हुई। गाड़ी के ऑनर ने भी अभी तक गाड़ी नहीं देखी है, तो भाई उसको देने वाले हम सरप्राइज़। तो गाड़ी हो चुकी है पूरी तरह तैयार।